Hello and welcome, dear students. I am going to teach you the very first unit of 12th class botany, that is reproduction in flowering plants. And my today's lecture is about introduction of a flower. So before understanding reproduction in flowering plants, you need to understand what a flower is. So you know that nature has blessed us a lot of precious and priceless gifts, and flower is one among them. And you know that from centuries, flowers are used by human beings for their recreational values, or for their medicinal values, or we may use for these flowers to express our feelings, like to express our love, or to express our grief, isn't it? So you should know that all plants which possess this flower are called as, we call them as an endospermous. Flower bearing plants, or this group is also called as magnoliophyta. Angiosperms are magnoliophytes. These are the plant division which bears these flowers. Okay, now what we are going to actually understand in this lecture, that is, first we will understand the meaning and definition of a flower. Secondly, we are going to understand about different parts of a flower. Then we also try to focus what is the function of this flower, and at last we will try to know about few terminologies which are associated with flower, isn't it? Okay, let's start from this point, that is, what is the definition of a flower, isn't it? So this was a German philosopher, Johann Wolfgang Goethe, who, G-O-E-T-H-E, Goethe, in 1790s, he explained the view about flower, his personal view, that flower is a modified condensed shoot which is functioning for reproduction, which function is the plant for reproduction. ठीक है, तो Goethe जो है ये बता रहा है कि flower जो है एक modified condensed shoot है, जो किस काम के लिए बनाया गया है, रिप्रोडक्शन के मकसद से बनाया गया है. इस Goethe की सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट को लेके, वो है कि आपको पता होना चाहिए एक शूट में जो होते हैं वो होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स. ठीक है, नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं. तो वो कह रहे हैं कि ये जो फ्लावर है इसमें क्या होते हैं कि सारे नोड्स और इंटरनोड्स जो है वो एक ही जमा क्या हो गए हैं, कंडेंस हो चुके हैं, और ये जो बाकी पार्ट्स हैं फ्लावर्स के, ये लीव्स की तरह है जो उस नोड पे या एक्सिल पे प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो क्योंकि ये सारे एक ही जगह से निकलते हैं, तो आप इसको अंडरस्टैंड, आपको ये ऑब्जर्व करना कि बहुत मुश्किल होते हैं कि ये जो है नोड से ही निकल आए हैं. इसमें आपको एक एग्जांपल में बताऊंगा आपको किस तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, कौन सा फ्लावर
is a modified condensed shoot which is made for reproduction. ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा बता देंगे कि रेडियो जो होते हैं, रेडियो का एंटेना जो होते हैं, मान लो ये एक रेडियो का एंटेना है, ऐसे ही होते हैं रेडियो के एंटेना, तो ये नोड्स हैं और ये वाला पोर्शन जो है वो इंटरनोड्स है, और आपको ये पता होना चाहिए हमारे जो लीव शूट में होते हैं वो नॉर्मली इसी नोड्स पे ही ग्रो करते हैं. ठीक है, नोड्स पे ही लीव्स ग्रो करते हैं. अब अगर कोई इस रेडियो के एंटेने को ऊपर से अगर नीचे दबा देंगे, ठीक है, प्रेस कर दोगे, तो ये सारे नोड्स जो हैं ये एक ही जगह क्या हो जाएगा, असेंबल हो जाएगा और आपको यूं लगेगा. ठीक है, सारे एक ही जगह जो जमा हो जाएंगे और ये लीव्स भी जो है ये तकरीबन जो है सारे एक ही जगह आपको नजर आएंगे. बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट है, बिल्कुल यही आप मान लीजिए, यही बता रहे हैं कि होते क्या है, फ्लावर जो है ये एक शूट ही होता है, इसको क्या हो जाते हैं नोड्स और इंटरनोड जो है सुकड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और बाकी जो फ्लावर पार्ट्स है वो भी इन्हीं नोड्स पे निकलते हैं, लेकिन अब चूंकि कंडेंस हो गया है तो एक ही जगह से आपको लगेंगे. ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है ये फ्लावर की, यानी फ्लावर एज ए मॉडिफाइड शूट जो कॉन्सेप्ट है गोती का, ये आज तक एक्सेप्टेड है और इसी को हम आज भी इसी व्यू से, इसी हिसाब से हम मॉडल इसको डिफाइन करते हैं फ्लावर को. ठीक है, तो फ्लावर क्या है, इट इज ए मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट विच इज मेड फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक, तो ये हो गया पहला पॉइंट. तो उसके बाद हम अपने दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, दैट इज ये वाला पोर्शन, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, तो आपको बताते चलूं कि इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर मोर देन 4 lakhs ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. तो ए टिपिकल फ्लावर्स जो होते हैं, ए टिपिकल फ्लावर पोजेसेस 3 parts. ठीक है, एक टिपिकल फ्लावर्स में ये 3 parts होते हैं. क्या होते हैं, नंबर फर्स्ट एक स्टार होते हैं जिसको हम पेडिसल कहते हैं. ठीक है, और वो सारे प्लांट्स या फ्लावर्स जिनमें पेडिसल होते हैं उनको हम कहते हैं पेडिसलेट, और जिनमें नहीं होते हैं, आपने 11th में पढ़ा है बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें पेडिसल नहीं होते हैं, ये पेडिसल नहीं होगा. ठीक है, उनको हम कहते हैं सेसाइल, जैसे कि स्पाइक इनफ्लोरेसेंस वाले प्लांट्स में, वीट वगैरह में. ठीक है, उसके बाद जो ये पेडिसल होते हैं इसका ऊपर वाला पोर्शन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस पेडिसल, ये थोड़ा सा बल्जड होते हैं, एक प्लेटफॉर्म जैसा होते हैं जिसको हम कहते हैं थैलेमस, सेकंड फ्लावर की सेकंड पार्ट. ठीक है, थैलेमस, तो थैलेमस को कुछ बुक्स पे आपको टॉन्स भी लिख के आएंगे और कुछ बुक्स में इसको रिसेप्टैकल भी लिखा गया है. ये सिंपली क्या है कि प्लेटफॉर्म जैसा है, इसी पेडिसल का लास्ट वाला पोर्शन होता है, थोड़ा सा बल्जड होगा जिसमें आपके फ्लावर फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं. ठीक है, तो लास्टली तीसरा इसमें होते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस. तो फ्लोरल अपेंडेजेस यहां से स्टार्ट हो जाएगा, कितने होते हैं, देयर आर 4 floral appendages विच आर अरेंज्ड इन whorls. ठीक है, 4 floral appendages आपको मिलेंगे जो किसकी शक्ल में है, एक whorls की अंदाज में जो है इस थैलेमस या रिसेप्टेकल पे होंगे. ठीक है, तो वो क्या क्या है, वो 4 whorls जो है किस तरह से होते हैं. नंबर फर्स्ट बाहर से आते हैं, हम बाहर से अगर इनकी
रैली करेंगे तो नंबर फर्स्ट जो है इसमें होते हैं बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं कैनेक्स, ठीक है, द आउटर मोस्ट वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड कैनेक्स. सो द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ दिस कैनेक्स इज कॉल्ड इज सेपल्स. तो कैलेक्स जो है पूरी वर्ल्ड को हम बोलते हैं, ठीक है, पूरा सेपल्स बहुत सारे जो होंगे मिला के उनको हम बोलते हैं कैलेक्स. तो इंडिविजुअल मेंबर इसका होगा उसको सेपल्स कहते हैं. ये फ्यूजर भी हो सकते हैं या फ्री भी हो सकते हैं. सेपल्स पांच होंगे तो जैसे पेंटामेरस भी होते हैं, इनकी नंबर भी वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है. और नॉर्मली ये ग्रीन कलर के होते हैं और ग्रीन कलर का मकसद ये हो गया कि ये फोटोसिंथेसिस इनका फंक्शन है, प्लस ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं साथ साथ, ठीक है. फिर उसके बाद आपका आ गया ये वाला जो है, यहां मैंने सेपल लिखा गया है, ये ग्रीन कलर का आपको मिलेंगे, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होगा. फिर उसके बाद दूसरा वर्ग जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं कोरोला. तो ये कोरोला जो है इसके इंडिविजुअल मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ पेटल्स, ये पेटल्स की बनी हुई होती है, ठीक है. एंड सिमिलरली ये पेटल्स नंबर जो है वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, यूजुअली जो है पांच होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, और ये अलग अलग कलर के होते हैं, कलर होंगे, ठीक है. और कलर होने का मकसद इनका क्या है, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, ठीक है, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स. डिफरेंट वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ पॉलिनेटर्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं अपनी कलर्स की वजह से, ठीक है. तो एक्चुअल जो आपको फ्लावर्स की जो खूबसूरत रंग कलर्स आपको दिखते हैं वो यही पेटल्स ही होते हैं, या आप बोलो कोरोला जो वर्ल्ड है वही होते हैं, सेकंड वर्ल्ड जो है ये एक्चुअली इंसेक्ट्स या बाकी बीटल्स वगैरह जो है इनको अपनी तरफ क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं. दिस इज द सेकंड वर्ल्ड. उसके बाद थर्ड वर्ल्ड जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज दिस वन, इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम थर्ड वर्ल्ड होंगे. तो इट कंसिस्ट्स ऑफ स्टैमेन, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ दिस एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टैमेन, ठीक है. ये स्टैमेन भी या तो फ्यूज्ड होते हैं या फ्री हो सकते हैं, जैसे एलेवेंथ में आपने पढ़ा होगा. तो इनमें भी क्या होते हैं कि नंबर जो है वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. अब जो ये स्टैमेन होते हैं ये इसके तीन पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं स्टैमेन के, ठीक है. तो ये स्टैमेन जो होते हैं इनको हम माइक्रोस्पोरोफिल्स भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है. तो स्टैमेन या माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है इनके तीन पार्ट्स होते हैं. क्या है वो तीन पार्ट्स, एक तो इनका एक स्टाक होगा, ठीक है, स्टाक एक होते हैं जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, यहां पे दिख लीजिए एक स्टाक होगा जिसको फिलामेंट कहते हैं. फिर इस फिलामेंट का जो ये वाला पोर्शन जहां ये एक और रीजन से कनेक्ट हो जाते हैं इसको हम कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, कनेक्शन जंक्शन आप बोल सकते हैं. और फिर एक ऊपर बल्ज एक पोर्शन होते हैं जिसको हम एंथर कहते हैं. तो फिलामेंट होगा इसमें कनेक्टिव होगा और एंथर होगा, ठीक है, ये तीन पार्ट्स. तो इसमें फिलामेंट और कनेक्टिव जो है ये स्टीराइल पार्ट होते हैं इसका, और एंथर जो है हमारा इस फर्टाइल प्लांट्स में होते हैं एंथर. और यूजुअली एक एंथर को अगर आप क्रॉस सेक्शन में जब देखेंगे यूजुअली इसके दो लोब्स होते हैं इस तरह से. देखो यहां मैंने इसका एक रफ क्रॉस सेक्शन एक दिखाया है, दो लोब होंगे, ये वाला एक साइड वाला लोब इसी एंथर का क्रॉस सेक्शन में, और एक वाला साइड जो है ये वाला. तो डाइथीकस या बाइथीकस, और इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे दो लोब होंगे तो बाइथीकस बोलते हैं या डाइथीकस बोलते हैं, डाइथीकस. और इस लोब्स में क्या होते हैं, इन लोब्स में आपको इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है. इन स्ट्रक्चर्स को, इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्पोरेंजियास. क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियास, चारों को मिला के स्पोरेंजियम या बोलेंगे. तो इन स्पोरेंजियास या स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स,
या माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो है डाइथिकस एंथर है, इसमें आपको कितने स्पोरेंजियास नजर आए हैं, 1, 2, 3, 4। तो डाइथिकस अगर होगा तो फिर टेट्रा स्पोरेंजिया होंगे, ठीक है, स्पोरेंजियम टेट्रास्पोरेंजियम होंगे, यूजुअली ऐसे ही होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ क्या होते हैं, इस तरह से होंगे सिर्फ, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होते हैं, सिर्फ दो ही लोब हो, सॉरी सिर्फ एक ही लोब होंगे लेकिन एक ही लोब में दो स्पोरेंजियास, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, मोनोथीकस होते हैं कुछ में, तो उस वक्त बाई स्पोरेंजिएट स्पोरेंजिएट होते हैं, ठीक है, यूजुअली टेट्रास्पोरेंजिया। तो चाहे डाइथिकस हो या मोनोथीकस हो, इन स्पोरेंजियास में क्या प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स, या आप बोल सकते हैं मेल गेमेट्स जो है एक्चुअली इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, इसमें फिलामेंट कनेक्टिव स्ट्राइप एंथर जो है वो फर्टाइल पार्ट होते हैं। तो अब हमारे फ्लावर्स के जो लास्ट वाला वर्ग जो होते हैं, फ्लावर अपेंडेज की जो लास्ट वर्ग जो है वो है गाइनोशियम, ठीक है। तो ये गाइनोशियम जो है ये वर्ग का नाम है, इंडिविजुअल मेंबर्स को हम बोलते हैं कार्पल, या हम इसको पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यहां इनको हम मेगा स्पोरोफिल्स भी बोल सकते हैं। हालांकि जो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल जो टर्म है ये ज्यादातर रिस्ट्रिक्ट हम करते हैं अप टू जिम्नोस्पर्म्स, बट यू कैन यूज दिस टर्म हियर आल्सो। तो मेगास्पोरोफिल्स, फिर से यहां इनकी नंबर जो है वो वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। और ये भी फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो कार्पेल होते हैं या पेस्टल जो होते हैं, ये इनके भी तीन पार्ट्स हैं, जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेन इनके तीन पार्ट्स थे, यहां पर इसके तीन पार्ट्स आपको मिलेंगे। एक जो ऊपर वाला एक रिसेप्टिव स्पॉट होगा जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। फिर एक लंबा सा एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम स्टाइल बोलते हैं। फिर नीचे एक बल्जेड पोर्शन होते हैं जिसको हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। तो ये पिस्टल के किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट के होते हैं इसके तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, रिसेप्टिव स्पॉट होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा ये क्या है, ये रिसेप्टिव स्पॉट होते हैं। किसके लिए रिसेप्टिव स्पॉट होगा, ठीक है, पोलन ग्रेन्स के लिए रिसेप्टिव स्पॉट होते हैं। हाँ, पोलन ग्रेन्स की सबसे पहली रिसेप्शन इसी जगह पे होती है, और ये थोड़ा सा क्या होते हैं, ये स्टिकी होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपा सा होते हैं जिसपे ये स्टिक करते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। उसके बाद इस स्टाइल के जरिए जो है आ जाते हैं और पहुंचते हैं हमारे ओवरी तक, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ये चीज बड़ा क्रिटिकल है, अक्सर बच्चों को यहां कंफ्यूजन होते हैं। ओवरी जो है, ओवरी के अंदर होते हैं एक और स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। इस ओव्यूल में ये जो यहां पर बनाया गया है इन्वर्टेड ओव्यूल इस तरह से बनाया गया है, तो इस ओव्यूल के अंदर आपको मिलेंगे क्या, जो ये ओवरी ओव्यूल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेगा स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम। जिस तरह हम सैक को बोलते थे माइक्रोस्पोरेंजियम, इस तरह से यहां ओव्यूल जो है इसको मेगा स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं। इसी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, या हम इसको एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो ये ओव्यूल है, यहां मैं बनाऊंगा, अगर आप ओव्यूल को अच्छी तरह से बनाओगे यहां तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो
इस ओव्यूल के अंदर आपको क्या मिलेंगे, यहां पे आपको मिलेंगे इस तरह से एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसी एम्ब्रियो सैक में आपको प्रोड्यूस हो जाते हैं यहाँ पे जो है फीमेल गैमेट्स या एग जो है वो यहाँ प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, इस जगह में। तो कहने का ये मतलब है द फीमेल गैमेट्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड दिस, कहाँ पे एम्ब्रियो सैक गाइस, इसमें होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट एग होते हैं, ठीक है। तो ये ओव्यूल का इतना रफ स्ट्रक्चर बनाए क्योंकि ये जो है आगे के टॉपिक्स में डिस्कस किया जाएगा। सो ये चीजें याद रखना है आपको, जो एक कार्पेल होते हैं इसका स्टिग्मा और स्टाइल होगा, ये स्टिग्मा और स्टाइल जो है इसमें स्टीराइल पार्ट होते हैं, इसका फर्टाइल पार्ट अगर बोलेंगे तो यही हो गया ओवरी हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के अंदर आपको फीमेल गैमेटोफाइट दिखेगा जिसके अंदर आपको इस तरह से कुछ सेल स्ट्रक्चर, सेवन एट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एक सेल जो है वो फीमेल गैमेट भी होते हैं, एग होते हैं, जो आगे जाके आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चार बल्ब्स, मैं यहां से आपको दिखाते चलूंगा। यहां से हमने स्टार्ट किया था अलग पार्ट्स, पेडिसल इसका स्टाफ, फिर इसका पेडिसल का ऊपर वाला पोर्शन जो है थैलमस, इसको टॉरस भी बोलते हैं, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद फ्लोरल अपेंडिजेस हो गए यहां से स्टार्ट। सबसे पहला जो वर्ल है ये है कैलेक्स, सबको मिला के इंडिविजुअल्स को हम सेपल्स बोलते हैं, ग्रीन कलर, प्रोटेक्शन इनका फंक्शन और फोटोसिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड जो होते हैं इनको कोरोला बोलेंगे, इंडिविजुअल्स को हम पेटल्स बोलते हैं, कलर्ड होंगे, मकसद जो है वो पॉलिनेशन यानी पॉलिनेटर्स को इंसेक्ट अट्रैक्ट करने का होगा। नेक्स्ट जो है ये हो गया हमारा स्टैमेंस या एंड्रोशियम वाला जो वर्ल्ड है, स्टैमेंस इंडिविजुअल मेंबर्स को बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके बाद फोर्थ वाला जो है लास्ट गाइनोशियम, इंडिविजुअल मेंबर्स को पिस्टल या कार्पेल बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो अब हम अपने लास्ट वाले पॉइंट दे जिस फंक्शन, सो आई थिंक नाउ आप सब ये पार्ट अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या है अब फंक्शन इन फ्लावर्स का, तो आप एक फटक से बता सकते हैं, फ्लावर जो है ये एक स्ट्रेटजी है प्लांट का, ताकि ये क्या कर सके, ये रिप्रोडक्शन कर सके और ये अपनी लाइफ को जो है वो कंटिन्यू कर सके, अपनी जो है जनरेशन जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो क्या करें, कंटिन्यू कर सकते हैं, बाई सीड के जरिए वगैरह जो होगा तो उसके जरिए कंटिन्यू कर सकें। तो फंक्शन क्या है इन फ्लावर का, फंक्शन सिर्फ ये है कि इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है, या इट्स जनरेशन जो है कंटिन्यू करने के लिए, दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक। तो अब कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप लोगों ने 11th में भी पढ़े हैं, लेकिन यहां पे फिर छोटा करके मैं बता दूं मोटा। देखिए एक कलेमेडियस, ठीक है, एक कलेमेडियस फ्लावर ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं जिसमें कैलेक्स वाला या कोरोला वाला वर्ल जो है वो मिस होगा, ठीक है, यानी इनमें से एक्लेमेडस क्या हो गया, ये वो फ्लावर्स हैं जिनमें आपको कैलेक्स वाला और कोरोला वाला जो वर्ल है वो पूरा क्या होगा, हाई होगा, ये मतलब हो गया एब्सेंट होंगे। ऐसे एग्जांपल आपको है यूफोर्बिया, ठीक है, यूफोर्बिया जो है कैथियम जिसमें होते हैं, ये एक एग्जाम्पल है जिनमें कैलेक्स कोरोला दोनों मिस होंगे। उसके बाद कभी ऐसा कंडीशन भी होते हैं मोनोकलेमेडियस DEOUS, तो ऐसे कंडीशंस में या तो कैलेक्स मिसिंग होगा या कोरोला, ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा इधर जो है कोरोला या कैलेक्स जो है वो मिस होंगे, दो में से एक जो है मिस आपको नजर आएंगे या दोनों मर्ज होंगे। तो इसमें एग्जांपल आपको मिलेंगे किसका, लिली का, लिली वाटर लिली जो है, क्योंकि वहां पे होते हैं कौन, वहां हम टैपल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन है डाइक्लेमिडियस, DEOUS, डाइक्लेमिडियस, तो इसमें कैलेक्स भी होते हैं और कोरोला भी होते हैं, तो मोस्ट फ्लावर्स जो है वो डाइक्लेमिडियस ही होगा, ठीक। कैलेक्स और कोरोला, कैलेक्स और कोरोला दोनों जो वर्ल है फर्स्ट एंड सेकंड, इन वर्ल्ड को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल
ठीक है, नॉन एसेंशियल कहने का मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है, इस वर्ल को दोनों को मिला के हम बोलते हैं एसेंशियल, क्योंकि नाम से ही पता चला एसेंशियल वर्ल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, और एक टर्म जो है वो है कि अगर कोई भी फ्लावर है जिसमें कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम या गाइनोशियम इनमें से कोई भी एक वर्ल जो है अगर मिस होगा, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं एनी वन वर्ल मिसिंग। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, अगर सब होंगे, ऑल वर्ल्स प्रेजेंट अगर जैसे होते हैं, तो इनको हम बोलेंगे कंप्लीट, कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म जो है, जब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होंगे, दोनों वर्ल्स होंगे एसेंशियल, यानी एसेंशियल वर्ल्स जो दोनों होंगे, तो हम इसको बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर, या इनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ओबियसली जब एंड्रोशियम भी होंगे और गाइनोशियम भी होंगे तो बाइसेक्सुअल ही होंगे, ठीक है, परफेक्ट फ्लावर होंगे। अगर इन दोनों में से कोई मिस होगा, ठीक है, यानी इधर ऑफ एसेंशियल वर्ल्स मिसिंग रखोगे, तब होते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर। तो इम्परफेक्ट फ्लावर होगा जब इनमें से एसेंशियल में से दो में से एक मिस होगा। ऐसे सिचुएशन में दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाते हैं, यानी अगर गाइनोशियम जो है वो मिस होगा, सिर्फ एंड्रोशियम होगा, ऐसे फ्लावर्स को हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, इसमें गाइनोशियम जो है वो मिसिंग होगा, गाइनोशियम वाला जो एसेंशियल वर्ल है वो मिस होगा। और अगर लेट, इसका बिल्कुल अपोजिट, अगर एंड्रोशियम वाला जो है वो मिस होगा, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं पिस्टलेट फ्लावर बोलेंगे। यहां क्या मिस होगा, एंड्रोशियम जो है ये वर्ल जो है ये मिसिंग होगा। ठीक है, और उसके बाद एक और खास बात, स्टडी ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं, यानी जिस तरह हम अलग अलग साइंस की बहुत सारे ब्रांच है, इस तरह से फ्लावर्स के बारे में हम स्टडी करने को हम बोलते हैं एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, और लास्टली ओपनिंग ऑफ फ्लावर। नॉर्मली फ्लावर जो है आपने देखा होगा जब बर्ड कंडीशन में होते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से बंद होते हैं, एक स्टेज आ जाते हैं जहां फ्लावर जो है वो ओपन हो जाते हैं, ब्लॉसम हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को यानी ओपनिंग ऑफ फ्लावर जो है उसको हम बोलते हैं एंथीसिस। ठीक है, एंथीसिस बोलते हैं, एंथीसिस क्या है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। तो ये थे आज का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि फ्लावर होता क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है, फंक्शन इसका क्या है, और अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो एक फ्लावर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, ओके, बाय।